हम अक्सर देखते हैं कि हमारे माता पिता घुटनों में दर्द की वजह से बैठ नहीं पाते। अगर बैठे हैं तो खड़े नहीं हो पाते, ज्यादा चल नहीं पाते, सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलने फिरने की क्षमता कम हो जाने की वजह से कई और बीमारियाँ भी शरीर में घर कर जाती हैं, जैसे कि भोजन न पचना या मोटापा बढ़ना। कई बुजुर्गों का बुढ़ापा तो इस दर्द की वजह से और भी दयनीय हो जाता है, और इस असहनीय दर्द को सहन करते हुए कई बार वो कह उठते हैं कि हे भगवान, इस दर्द को सहन करने से तो अच्छा है कि मुझे तो जल्दी उठा। हे भगवान, अब मुझे उठा ले, अब यह दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। हे राम, माँ जी आपकी चाय। हाँ। क्या हुआ माँ जी, वापस वही घुटनों का दर्द? हाँ, लाइए मैं मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मैं मालिश वालिश से नहीं जाएगा, अब तो बस भगवान ही मुझे आराम दे सकते हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता। क्या हुआ माँ, आज फिर तेरे घुटनों का दर्द शुरू हो गया? हाँ। सुमन, तुमने माँ को पेन किलर दी? कब तक पेन किलर देते रहेंगे, उसे माँ जी की तकलीफ देखी नहीं जाती है। सुनिए ना, हम क्यों नहीं किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर माँ जी के घुटनों का ऑपरेशन करवा लेते हैं? अरे नहीं नहीं, ऑपरेशन नहीं, पता नहीं उसके बाद मैं फिर कभी चल पाऊँ या नहीं। देखा तुमने, माँ ऑपरेशन के नाम पर किस तरह घबरा जाती है। तुम क्या सोचती हो? मैं नहीं चाहता कि माँ का ऑपरेशन हो, माँ का यह घुटनों का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो क्या करें हम? ये बीमारी इनके अकेले की नहीं है। अरे संभालो यार, पकड़ो। क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या आपकी? ये छड़ी पकड़ी, छड़ी पकड़ी। ठीक है आप? मुझे घुटनों के दर्द ने परेशान कर रहा है, और कोई तकलीफ नहीं है बेटा, बस। सामान्यतः 40 की उम्र के बाद घुटनों के जोड़ के मध्य स्थित साइनोवियल फ्लूइड, जिसे आम भाषा में घुटने का पानी या ग्रीस कहते हैं, जो कि घुटने के जोड़ को चलाने के लिए ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस ल्यूब्रिकेशन के कम होने से जोड़ के दोनों ओर टिबिया तथा फीमर की आर्टिकुलर कार्टिलेज, घुटनों के मध्य स्थित मेनिस्कस कार्टिलेज, जिसे हम घुटने की गद्दी कहते हैं, घिसना शुरू कर देती है, जिससे घुटने के बीच की गद्दी घिसकर खत्म हो जाती है तथा टिबिया एवं फीमर के बीच घर्षण के कारण तथा शरीर का पूरा भार जोड़ पर आने के कारण असहनीय दर्द होता है एवं घुटनों के जोड़ अंदर अथवा बाहर की तरफ निकल जाते हैं। कभी कभी इस बीमारी के कारण घुटनों को सीधा करना या मोड़ना अत्यधिक मुश्किल हो जाता है, और कई बार घुटनों के जोड़ में कड़ कड़ की आवाज आती है। आप जरा सोचिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपको कुछ नहीं करना, ये है पैरागॉन का ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस नी प्रेस। पीएमआर के डॉक्टर्स तथा इंजीनियर्स लंबे अनुसंधान के बाद लाए हैं बिना ऑपरेशन अथवा चीर फाड़ के दर्द में राहत। ये बेहतरीन प्रोडक्ट है पीएमआर पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर। ये एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये इस प्रकार से बांधा जाता है कि ये घुटनों पर आने वाले शरीर के वजन को थाई अर्थात जांग से सीधा काफ यानी पिंडली पर शिफ्ट कर देता है। इससे घुटना आगे खराब होने से रुकता है एवं मरीज को दर्द में राहत मिलती है। इस कैलिपर का पॉलीसेंट्रिक जॉइंट घुटनों के मध्य उत्पन्न असामान्य अंतर को बराबर करने का काम करता है, जिससे घुटने की हड्डियों के मध्य घर्षण कम होता है व हड्डियां आगे खराब होने से रुकती हैं। इसका एडवांस टेक्नोलॉजी से बना पॉलीसेंट्रिक जॉइंट एक एक्स्ट्रा नी जॉइंट की तरह काम करता है एवं मुड़ी हुई हड्डियां एक स्तर तक सीधी भी हो जाती हैं, जिससे घुटने के जोड़ की वजन सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसे पहनकर मरीज आसानी से चल फिर सकता है, सीढ़ियां चढ़ उतर सकता है एवं दैनिक कार्यों को आसानी से कर सकता है। इस कैलिपर का एडवांस सिस्टम पैरों के मूवमेंट को रोकता नहीं है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त प्रवाह पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा दादाजी, आप फिर से ऊपर जा रहे हैं? ये सब पैरागॉन के नी कैलिपर के कमाल है बेटे। तो देखा आपने कैसे दादाजी अपने आप इतनी फुर्ती से सीढ़ियां चढ़ रहे थे, और अभी कुछ दिन पहले तक दादाजी सुबह उठते थे, किसी ने सोफे पर बिठा दिया तो बस बैठे रहते थे और पूरा दिन यूं ही बैठे बैठे निकल जाता था।
पर अब कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर घूमते हैं, कभी सीढ़ियां चढ़ते हैं, कभी बाजार हो आते हैं, कभी मंदिर हो आते हैं। अब ना कोई दर्द, ना कोई झंझट, ये सब कमाल है पैरागॉन के नी कैलिपर्स का, जिसकी वजह से अब जिंदगी को जैसा वो चाहते हैं वैसे जीते हैं। अरे बहुत जल्दी करो भाई, मंदिर नहीं जाना है क्या? आ रही हूँ माँ जी, आ रही हूँ। आप तो बिल्कुल तूफान हो गई हैं। अब मैं आपकी तरह भाग तो सकती नहीं हूँ ना, थोड़ा तो रुकिए। मुझे तो लगता है माँ, अब तेरी बहू को भी पैरागॉन का नी ब्रेस लगवाना ही पड़ेगा। आप भी ना बस। सच बेटा, पैरागॉन नी ब्रेस ने तो मुझे नई जिंदगी दे दी। भगवान करे तुम्हारे जैसी बहू, तुम्हारे जैसा बेटा और पैरागॉन नी ब्रेस जैसी हर माँ को मिले। ना ही कोई दवाइयाँ, ना ही कोई व्यायाम और ना ही कोई आपकी दिनचर्या में परिवर्तन, बस ऑस्टियोआर्थराइटिस नी ब्रेस। घुटनों के दर्द से आराम है ना अद्भुत आविष्कार, बस पहनो और चल पड़ो कामयाबी की मंजिल की ओर। अरे बेटा तुम्हारी किताब। अरे अंकल आप, क्या बात है, आप तो बिल्कुल चेंज हो गए, दर्द भी गायब, ऑपरेशन करवाया क्या? अरे काहे का ऑपरेशन, अरे ये तो साहब इस पैरागॉन नी ब्रेस का कमाल है। देख जब से इसको लगाया ना तब से मैं बिल्कुल फिट। ओके, इट्स रियली वंडरफुल। और बेटा अब कोई दर्द वर्द भी नहीं है मुझे, अब तो मैं जॉगिंग भी कर सकता हूँ। अरे बहू तुम क्या कर रही हो, लाओ काम में देखती हूँ, तुम आराम करो। माँ जी आप आराम करिए, काम मैं कर लूंगी। नहीं तुम आराम करो, बच्चों को देखो, काम मैं देखती हूँ। देखा आपने, एक समय था कि माँ जी बिस्तर से उठ नहीं पाती थी और अब सारा काम दौड़ दौड़ कर करती हैं। और ये सब कमाल हुआ पैरागॉन के नी कैलिपर की वजह से। नी कैलिपर ने माँ जी को ही नहीं हम सभी को बहुत राहत दी है। ये नी ब्रेस पेशेंट्स के नाप के अनुसार तैयार किए जाते हैं। नाप लेने का तरीका, सर्वप्रथम पेशेंट को स्टूल या कुर्सी पर बैठाएं, उसके बाद कपड़ा नापने की इंच टेप से घुटने के मध्य से 7 इंच ऊपर तथा घुटने के मध्य से 7 इंच नीचे निशान लगा लें। अब लगाए गए निशान के स्थान की गोलाई को इंच में नाप लें। अगर तकलीफ दोनों पैरों में है तो प्रत्येक पैर का अलग अलग नाप लें। अगर आप भी पैरागॉन का ऑस्टियोआर्थराइटिस नी ब्रेस चाहते हैं तो आज ही ऑर्डर कीजिए। इस प्रोडक्ट की कीमत 3,990 रुपए मात्र, पोस्टल एंड हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। हमारा फोन नंबर 9129430555555।